नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में बढ़ते अतिक्रमण तथा नगर परिषद की लचर व्यवस्था से परेशान कांग्रेसी पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें खरी खोटी सुनाई। साथ ही इस बात पर नाराजगी जताई कि पार्षदों की ओर से 51 स्थानों पर अवैध रूप से अतिक्रमण की शिकायत देने के बाद भी परिषद की लचर व्यवस्था के चलते वहाँ पर अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे हैं। पार्षदों ने परिषद आयुक्त जब्बर सिंह को बताया कि नगर परिषद के पार्षदगण विगत 6 माह से अवैध निर्माणों को रोकवाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन नगर परिषद में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने रविवार को शहर की हाईवे कॉलोनी स्थित एक निर्माण स्थल के बेसमेंट में भरे पानी में एक बालक के डूबकर अकाल मौत का शिकार होने को लेकर भी जोरदार आक्रोश जताया। पार्षदों ने बताया कि हाईवे कॉलोनी पर भी यह निर्माण अवैध है तथा यहाँ पर बेसमेंट की खुदाई के बाद यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण खेलते खेलते बालक पानी में चला गया और उसकी मौत हो गई। इस दौरान पार्षदों ने मृतक बालक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। साथ सभी पार्षदों ने शहर के सभी अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करने की भी मांग की है। पार्षदों ने साकेत नगर पुलिस चौकी के सामने भी एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए अवैध रूप से निर्माण शुरू कर देने की शिकायत करते हुए शीघ्र ही उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की। मुलाकात के दौरान आयुक्त जब्बर सिंह ने सभी पार्षदों को शीघ्र ही अवैध निर्माणों की जांच करवाते हुए उन्हें हटवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान आयुक्त कक्ष में पार्षद राजेश शर्मा, गिरधारी लाल, राकेश साहू, घनश्याम फुलवारी, राजेंद्र तुनगरिया, भुवनेश शर्मा, भरत बंदीवाल, भूपेंद्र पाल पंवार, भरत बाघमार, अजय स्वामी सहित अन्य कांग्रेसी पार्षदगण शामिल है। नगर परिषद आयुक्त महोदय से 2 प्रकरणों में चर्चा की। एक प्रकरण था हाईवे कॉलोनी में बेसमेंट का निर्माण हो रहा था। उस बेसमेंट के अंदर जो निर्माण हो रहा था उसके अंदर कोई भी बैरिकेडिंग नहीं थी, कोई सूचना बोर्ड लगा हुआ नहीं था और कल उसमें बारिश के अंदर पानी भर गया था। उसके अंदर एक 10 वर्षीय कंजर समाज का एक बच्चा अनाथ ऐसा है, गरीब था, वो डूबकर मर गया। उसके परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए मांग की गई। उन्होंने पार्टी को आयुक्त महोदय ने कहा कि हम बुलाकर शीघ्र अतिशीघ्र उसको उचित मुआवजा दिलाने की मांग को मानते हुए कि भाई उसको हम लोग मुआवजा दिला देंगे। दूसरा प्रकरण था कि साकेत नगर चौकी के सामने जो 200 फुट हाईवे है उसके अंदर 100 फुट से मार्क अपने 100 फुट को मार्किंग करते हुए जो रोड के ऊपर अवैध निर्माण किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है एंक्रोचमेंट सड़क पर, उसके अंदर नगर परिषद ने पहले एक नोटिस दिया था लगभग करीब 7-8 दिन पहले। उस व्यक्ति ने कल छुट्टी का फायदा उठाते हुए उस पर निर्माण करने की कोशिश की, उसका हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा मैं रिपोर्ट मंगा लेता हूँ और तत्काल प्रभाव से उस अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई करने की उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो कार्रवाई आज 3 घंटे में मैं कर दूंगा। नहीं हुआ तो हम लोग सब फिर कांग्रेस के पार्षद मिलकर उस पर विरोध दर्ज कराएंगे कि उन्होंने अतिक्रमण किया, उसको ध्वस्त किया। आज हम सभी पार्षद इकट्ठे होकर नगर परिषद आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया। एक गरीब परिवार का लड़का, बच्चा 8-10 साल का था, वो एक बेस्टमैन खोदा गया किसी पार्टी द्वारा, तो उस बेस्टमैन में पानी भरने के कारण वो बच्चा गुजर गया। उसके मुआवजे के लिए सभी पार्षद इकट्ठे हुए और आयुक्त महोदय से ये कहा कि सभी पार्षदों ने कहा कि भाई इसको अगर वेस्टमैन खोदने की परमिशन दी गई है तो इसका वेरी कटिंग करके और 4 दीवारी पर तार बंदी या चद्दर की 3 शेड लगा के या चौकीदार खड़ा करके और वहाँ पर उसको रखना चाहिए जिससे कि हादसा नहीं होवे, और ये हादसा हो गया, इसके लिए हमने कमिश्नर साहब के यहाँ पे। शहर के अजमेर रोड स्थित सातपुलिया निर्माण के दौरान छावनी नदी में गिरे मलबे को हटवाने को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से की गई मांग के बाद उक्त मामला नगर परिषद तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच अटक गया है। दोनों विभागों की ओर से पत्रावलियां भेजी जा रही है लेकिन अब तक मूल समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आम आदमी पार्टी की ओर से की गई शिकायत तथा मांग के बाद अब यह मामला नगर परिषद तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के बीच अटक गया है। मालूम हो कि विगत 27 जुलाई को आम आदमी पार्टी के एक शिष्टमंडल ने सातपुलिया विस्तारीकरण कार्य के दौरान ठेकेदार की ओर से मलबा छावनी नदी में गिरा देने की शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि उक्त मलबे के कारण बरसात के दिनों में परेशानी हो सकती है, अतः बहाव क्षेत्र को दुरुस्त करने के लिए उक्त मलबे को हटवाया जावे। इस पर परिषद प्रशासन ने शीघ्र ही समस्या समाधान का आश्वासन दिया था। इस दौरान 14 अगस्त को नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को एक पत्र जारी करते हुए वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए छावनी नदी से मलबा हटवाने के लिए निर्देशित किया।
पत्र में विभाग को या तो कार्य के संवेदक अथवा स्वयं की ओर से उक्त व्यवस्था करवाने की बात कही गई है। उक्त पत्र की प्रति जब आम आदमी पार्टी की पदाधिकारी राधा वल्लभ माहेश्वरी को मिली तो उन्होंने सोमवार को आयुक्त नगर परिषद से भेंट कर पत्रावलियों के बजाय शीघ्र ही उक्त समस्या का समाधान करवाने की मांग की। उधर सोमवार शाम को उक्त मामले को लेकर उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान, नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह, जयन कपिल गौरा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के SS सलूजा, आम आदमी पार्टी के नीलेश बुरड, मंजीत सिंह हुड़ा सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ सातपुलिया पहुंचे। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने मौका मुआयना करते हुए उपस्थित सभी अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ शीघ्र ही उक्त समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी महोदय को सतकुलिया जो मलबा डाला हुआ है और जो छावनी लिंक रोड बाईपास है वहाँ पर जो इन्होंने नदी को पाटने का काम किया है उसकी शिकायत की, तो उपखंड अधिकारी महोदय ने खुद निरीक्षण किया और जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसके AN और कमिश्नर महोदय जब्बर सिंह जी को बुला करके पाबंद किया कि सतकुलिया की सफाई और छावनी लिंक रोड में जो नाली को पाटा गया है उसकी सफाई तुरंत प्रभाव से करें और मेरे को रिपोर्ट करें। उदयपुर जोधपुर रोड हाईवे स्थित साकेत नगर पुलिस चौकी के सामने स्थित राधा कृष्ण कॉलोनी में आम सड़क पर अवैध रूप से कब्जा कर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। अवैध कब्जे व निर्माण को लेकर सोमवार को मीठालाल पुत्र केसाराम तथा अन्य क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह को एक शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि क्षेत्रवासी शंकर पुत्र भोम सिंह ने आम सड़क पर कब्जा करते हुए अवैध रूप से निर्माण कर रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पूर्व में भी इस संबंध में परिषद को शिकायत दी गई थी, जिस पर परिषद प्रशासन ने 6 अगस्त को उसके खिलाफ एक नोटिस जारी करते हुए उसे निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबंद किया था, लेकिन उसने विगत दिनों राजकीय अवकाश का फायदा उठाते हुए पुनः निर्माण कार्य शुरू कर दिया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि आसपास के लोगों द्वारा मना करने पर वह झगड़े पर उतारू हो जाता है। क्षेत्रवासियों ने परिषद आयुक्त से शीघ्र ही इस पर संज्ञान लेकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की है। विनम्र निवेदन है कि यह नगर परिषद ब्यावर की जो सीमा है राधा कृष्ण साकेत नगर पुलिस चौकी के सामने राधा कृष्ण कॉलोनी, उस कॉलोनी में अवैध भू माफियाओं द्वारा नगर परिषद द्वारा नोटिस जारी करने के बाद बहुत अवैध निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, जो कि रविवार या 15 अगस्त अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिन यह अवैध निर्माण का कार्य को अंजाम देते रहते हैं। इन भू माफियाओं पर ना तो नगर परिषद कोई कार्रवाई कर पाती है ना और कोई नगर परिषद द्वारा नोटिस जारी होने के बावजूद भी इनके हौसले इतने सरपंचों और भूतपूर्व सरपंचों सबसे मिले हुए हैं या आसपास और जो भी कोई इनको मतलब मोहल्ले वाले कोई शिकायत करते हैं इनकी तो ये उनसे मारपीट पर उतारू रहते हैं, उन पर भाटा फेंकते हैं और इनकी महिलाएं आती है आगे, महिलाएं आगे फेंट पकड़ के आदमी की और दारू पी के आदमी को लेके आते हैं ये मारपीट करने के लिए। और आयुक्त महोदय से विनम्र निवेदन है कि हमें इसे मतलब इस संज्ञान पर हमें रक्षा करें, हमें तुरंत मुक्ति दिलावे। COVID-19 के तहत कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों को होम आइसोलेट करने के दौरान उनकी निगरानी में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के आदेशों की राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा ब्यावर के पदाधिकारियों ने ऐतराज किया है। इस बाबत संघ पदाधिकारियों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। SDM को दिए गए ज्ञापन में संघ पदाधिकारियों ने बताया कि होम आइसोलेट के दौरान शिक्षकों की निगरानी ड्यूटी लगाना राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना है, साथ ही शिक्षकों को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के ड्यूटी पर भेजना उनकी जान के साथ खिलवाड़ है। शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने इसका विरोध किया है। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में स्कूलों में नामांकन, पुस्तक वितरण, TC सहित अन्य प्रकार के कार्य शिक्षकों की ओर से किए जा रहे हैं, अतः सभी शिक्षकों को निगरानी ड्यूटी से मुक्त करें। ज्ञापन के उपखंड अधिकारी महोदया ने कहा कि शिक्षकों को प्रातः 7 से 10 बजे व दोपहर 1 से शाम 7:30 बजे तक ही ड्यूटी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस दौरान पहली व दूसरी में एक एक शिक्षक राउंड लगाकर आएंगे और रोगी की जानकारी जुटाएंगे। SDM ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश की जानकारी से भी मना किया है। उन्होंने शिक्षकों को उक्त आदेश में संशोधन करवाने का आश्वासन भी दिया। ज्ञापन देने वालों में रघुवीर सिंह चौहान, रतन सिंह देवड़ा, विष्णु गोयल, पंकज शर्मा, मुकुल शर्मा, रोहित जैन, भारतेंदु श्रीमाली, गीता सोलंकी, पिंकी कुमावत, शशि साकला तथा रामलाल सहित अन्य शिक्षक संघ पदाधिकारी शामिल थे। उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा झुआझा ब्लॉक के शिक्षकों का ब्यावर शहर के अंदर कोरोना पॉजिटिव जो COVID-19 सेंटर पे जो
थे पहले उनको अब होम आइसोलेट कर दिया गया था। तो प्रत्येक शिक्षक की ड्यूटी दो पारियों में, उनकी ड्यूटी उनके घर के ऊपर निगरानी के लिए लगाई है। तो वैसे ही कोविड पे कोरोना संक्रमण से वैसे ही फैल रहा महामारी संक्रमित होने के भय से आज अपने उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन के मार्फत अवगत कराया कि शिक्षक घर पे कोरोना जो संक्रमित व्यक्ति है उनके घर के बाहर ड्यूटी नहीं देंगे। तो मैडम ने इसको स्वीकार किया है कि आपको ड्यूटी नहीं देना है, आपको केवल एक बार अवलोकन करके आना है, आपको नहीं तो वहाँ रुकना नहीं, उसके घर में जाना है। और हमारी बात को मैडम ने स्वीकार किया है। और रतन सिंह देवड़ा, शिक्षक संघ राष्ट्रीय, जिला शाखा व्यवहार। सिटी थाना पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों प्रकरणों में पड़ताल करने के बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया। सिटी थाना पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद अश्लील फोटो खींचकर फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस चौकी के पीछे घंटाघर रामपुरा पुलिस थाना जिला कोटा शहर निवासी 25 वर्षीय शाहबुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन जाति कुरैशी मुसलमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर धारा 376, 509, 292 IPC एवं 66E/66 IT एक्ट में दर्ज किया है। इसी प्रकार सिटी थाना पुलिस ने फेसबुक पर दोस्ती कर मनचाही लड़की से शादी करने का झांसा देकर एवं ब्लैकमेल करके करीब 20 लाख रुपए हड़पने के आरोपी दिल्ली निवासी दो युवकों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उक्त प्रकरण में विनय कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति कंवर उम्र 30 साल निवासी 113 ग्राउंड फ्लोर पॉकेट 12 सेक्टर 20 रोहिणी सुल्तानपुरी सी ब्लॉक पुलिस थाना अमन विहार पश्चिम दिल्ली तथा रतन कुमार पुत्र स्वर्गीय चंद्रभान जाति नायक उम्र 24 साल निवासी डी ब्लॉक मकान नंबर 313 रघुवीर नगर मकान नंबर 313 पुलिस थाना ख्याला नई दिल्ली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 377, 420, 406, 384, 504, 120B में मामला दर्ज किया है। मालूम हो कि लाखीना थाना सदर निवासी एक युवक ने न्यायालय के मार्फत फेसबुक पर दोस्ती कर मनचाही लड़के से शादी करवाने एवं घर के समस्याओं से निजात दिलवाने का प्रलोभन देकर दोस्ती करने एवं युवक के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर वीडियो एवं फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर करीब 18 से 20 लाख रुपए हड़पने बाबत प्रकरण दर्ज करवाया था। शहर में 74वां स्वाधीनता दिवस समारोह उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। हालांकि इस बार उक्त पर्व पर कोरोना की मार देखने को मिली, लेकिन इसके बाद भी लोगों में आजादी के जश्न को लेकर अपार उत्साह देखा गया। मिशन ग्राउंड में आयोजित उपखंड स्तरीय कार्यक्रम भी इस बार केवल औपचारिक रहा। यहां पर राष्ट्रगान के साथ उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने तिरंगा फहराया। इस दौरान इंद्रदेव की कृपा भी बनी रही। रिमझिम बारिश के बीच जनगण मन की स्वर लहरियों के बीच तिरंगा लहराया तो आमजन का मन प्रफुल्लित हो उठा। मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में SDM चौहान ने देश के वीर शहीदों को नमन किया तथा उनकी ओर से दिए गए बलिदान को याद किया। उन्होंने उपखंड के लोगों को स्वाधीनता पर्व की शुभकामना दी तथा कहा कि देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसे हम भली भांति निभाना चाहिए। चौहान ने कहा कि आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में इस महामारी के बीच भी जो लोग अपने आप को दांव पर लगाकर हमें बचाने का जतन कर रहे हैं उनके लिए भी हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को चौहान ने सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उपखंड क्षेत्र को एक नई ऊंचाई देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विधायक, सभापति, तहसीलदार, पुलिस उपाधीक्षक, आयुक्त, पटेल स्कूल के संस्था प्रधान, पार्षदगण सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इसी प्रकार स्वाधीनता दिवस के मौके पर SDM कार्यालय, सिटी थाना परिसर, ADJ कोर्ट, AK तथा ग्रामीण क्षेत्र में ब्यावर खास विद्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। इसी प्रकार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से चांगेट पर तथा श्रीमद भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से एकता सर्किल पर ध्वजारोहण किया गया। शहर में रविवार को महिलाओं की ओर से बछभारत का पर्व मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने नए परिधानों में सज संवर कर गाय एवं बछड़े की पूजा अर्चना की तथा घर परिवार में खुशहाली की कामना की। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को हर वर्ष बछभारत के रूप में उत्साह एवं उमंग के साथ मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं गाय और बछड़े की पूजा करती है जबकि पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती है तथा पूजा अर्चना कर पुत्र की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती है। महिलाएं मूंग, मोठ और बाजरा अंकुरित कर
गाय और बछड़े को खिलाती है। मान्यता है कि के अनुसार इस दिन गाय के दूध का उपयोग भी वर्जित माना गया है। शहर में रविवार को यह पर्व उत्साह के साथ मनाया गया, जिसके तहत महिलाओं को जगह जगह सज धज कर गाय बछड़े की पूजा करते देखा गया। गाय एवं बछड़े को वस्त्र ओढ़ाकर उनकी आरती उतारी गई तथा गौ माता से अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तालुका विधिक सेवा समिति, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, ब्यावर एवं ग्रीन प्रोजेक्ट संस्था ब्यावर के संयुक्त तत्वावधान में न्यायालय परिसर पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बीडी व्यास के नेतृत्व में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायालय स्टाफ के साथ ग्रीन प्रोजेक्ट संस्था परिवार के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया तथा पौधरोपण किया। न्यायाधीश व्यास ने उपस्थित सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें एवं आम जन को इसके लिए प्रेरित करें। ग्रीन प्रोजेक्ट संस्था के संजय पाराशर ने भी पौधरोपण को आज के समय की आवश्यकता बताई और कहा कि यदि लोग पर्यावरण को लेकर सजग नहीं हुए तो आने वाला समय विकट हो सकता है। पाराशर ने बताया कि संस्था के राजेश बुतरा, जसराज शर्मा, राहुल रावत इत्यादि सदस्यगण के सहयोग से पौधरोपण महाअभियान के तहत ब्यावर के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1100 पौधे लगाए जाएंगे। उक्त कार्यक्रम में समाज सेवी टीकम चंद गोटरीवाल, अभिभाषक संघ अध्यक्ष अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह तोमर, सचिव ऋषिराज चौहान, वरिष्ठ अधिवक्ता विजय नारायण शर्मा, जयप्रकाश जांगीर, रवि सुखाड़िया, ईश्वर सेन, राकेश प्रजापति एवं न्यायालय कर्मचारी गण उपस्थित थे। इसके बाद न्यायिक अधिकारी उत्तमा माथुर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता परमार, तहसीलदार रमेश बहेड़िया, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया की ओर से भी सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। ब्यावर तालुका क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों राजकीय कार्यालयों में भी पौधारोपण किया गया। शहर में लंबे समय से चली आ रही भगवान इंद्र की खामोशी आखिरकार टूटी गई। पिछले दो दिन से आसमां पर छाए काले घने बादलों ने जमकर मेघमल हार गया है, जिससे शहर सहित उपखंड के ग्रामीण क्षेत्र में पहली अच्छी एवं जोरदार बारिश हुई है। हालांकि अभी भी जलाशयों में पानी की आवक जैसी बारिश नहीं हो पाई है, मगर शनिवार रविवार को कभी तेज तो कभी मध्यम दर्जे की बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी कई स्थानों पर खेत लबालब हो गए हैं। शहर के समीप मैदान अलीनगर नदी की चादर चल पड़ी है, वहीं शहर के बिचली तालाब की चादर चलने में भी एकाएक तेजी आई है। बरसात के बाद शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया। छावनी स्थित अंडरपास में पानी भरने के बाद लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही शहर के डिग्गी मोहल्ले में नगर परिषद में भी पानी भरने के कारण तालाब सा नजारा बन गया। इसी प्रकार विजयनगर रोड, बलार रोड स्थित अर्चना कॉलोनी, सूरज कॉलोनी तथा वार्ड संख्या 47 की पार्श्वनाथ द्वितीय कॉलोनी क्षेत्र में पानी का भरा होने से आवाजाही प्रभावित हो गई है। कई खाली भूखंड तालाब के रूप में तब्दील हो गए हैं। जालिया रोड इलाके में भी कई कॉलोनियों में पानी भरने से हाल बेहाल है। फतेहपुरा दोयम कुमावत कॉलोनी इलाके में भी हालत खस्ता है। बालाजी के मंदिर नयाबास पर दूध दही के व्यापारियों की एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें दूध दही व्यापार संघ का गठन किया गया। नवगठित संघ में सर्वसम्मति से राकेश उपाध्याय उर्फ बकट को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में व्यापारियों के हितों को लेकर चर्चा की गई। अध्यक्ष उपाध्याय ने बताया कि जल्द ही संघ का पंजीयन करवाने की कार्यवाही की जाएगी तथा कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। इस दौरान रामचंद्र साहू, मुरलीधर, रोशन मनोहर लाल साहू, मनीष शर्मा, आलोक अजमेरा, गोविंद शर्मा, मुकेश शर्मा, महावीर अजमेरा आदि व्यापारी मौजूद थे। ब्यावर के वार्ड संख्या 11 में स्थित तेजा चौक में पार्षद अंगद राम अजमेरा के सानिध्य में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पूर्व पीएम अटल बिहारी के छायाचित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सभी वक्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। सिटी थाना क्षेत्र में मसूदा रोड स्थित आरके कॉलोनी में एक युवक ने रविवार को देर शाम अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया तथा राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के चीरघर लाकर रखवाया है। पुलिस ने सोमवार को लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस के अनुसार पुखराज पुत्र हरिराम रेगर ने संदिग्ध परिस्थितियों में रविवार को शाम अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शहर के हाईवे कॉलोनी होटल विनोद के पास हो रहे एक व्यावसायिक निर्माण के तहत खोदे गए बेसमेंट के गड्ढे में भरे बरसाती पानी में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर आसपास रहने वाले लोगों ने उसे बाहर निकाला एवं उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को AKH के चिरघर में रखवाया गया, जहाँ उसका पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है। सिटी थाना पुलिस के अनुसार होटल विनोद के पास निर्माणाधीन स्थल पर खोदे गए बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई है। मृतक की पहचान छावनी कंजर बस्ती निवासी 5 वर्षीय धर्म सिंह पुत्र सूरज कंजर के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो यह 3 बालक थे, जो काफी देर से उक्त बेसमेंट में भरे पानी में खेल रहे थे। आसपास जुग्गी झोपड़ी वालों में इन बच्चों को डांट कर भगाने का प्रयास भी किया, मगर वे नहीं माने। घटना के बाद 2 बालक मौके से भाग गए, जबकि 1 खेलते समय पानी में डूब गया। हालांकि भनक लगते ही आसपास के लोगों ने उसे निकाल कर बचाने का प्रयास किया, मगर उसे अस्पताल ले जाने के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। भिवाड़ी गेट बार स्थित सार्वजनिक बाबा रामदेव रामसा पीर बंजारा मंदिर का 3 दिवसीय मेला इस बार नहीं भरेगा। मंदिर समिति के मंत्री नरेंद्र सिंह बंजारा ने बताया कि मंदिर समिति की वार्षिक बैठक मंदिर प्रांगण में आयोजित की गई, जिसमें देश में फैली कोरोना महामारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से इस वर्ष 18 से 20 अगस्त 2020 तक भरने वाले 3 दिवसीय मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर मंदिर में किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक रहेगी। समिति ने सभी श्रद्धालुओं को अपने अपने घरों में रहकर ही बाबा की जयंती मनाने का आग्रह किया है। उधर वार्ड संख्या 17 के पार्षद अंगदराम अजमेरा ने नगर परिषद आयुक्त को एक पत्र लिखकर तेजा चौक स्थित तेजाजी महाराज के मंदिर पर हर वर्ष की भांति रंग रोगन करवाने की मांग की है। आयुक्त को दिए गए पत्र में पार्षद अजमेरा ने बताया कि तेजाजी के मंदिर पर भादवा माह में मेले के अवसर पर हर वर्ष नगर परिषद की ओर से रंग रोगन करवाया जाता है, लेकिन इस वर्ष अब तक रंग रोगन नहीं करवाया है, जबकि भादवा दशमी को यहां पर श्रद्धालु बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। पार्षद ने तेजादशमी के मौके पर मंदिर पर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तेजा चौक में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए व्यवस्था करवाने की मांग की है। ग्राम पंचायत मालपुरा के सूबेदारों का बाड़िया के ग्रामीणों ने गांव में राशन की दुकान आवंटित करने की मांग की है। इस हेतु ग्रामीणों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में गांव में महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से श्रीमती शुकी देवी पत्नी शंकर सिंह के नाम से राशन की दुकान आवंटित की हुई थी, लेकिन दुकान का संचालक श्रीमती शुकी देवी का वीर सिंह करता था, जो कि हमेशा राशन उपभोक्ताओं को परेशान करता था। साथ ही राशन सामग्री भी तौल में कम देता था, साथ ही फर्जी राशन कार्डों के माध्यम से राशन सामग्री भी उठा रहा था। पूर्व में ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद उसकी दुकान को निरस्त कर दिया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि जानकारी मिली है कि वीर सिंह पुनः उक्त दुकान का कब्जा वापस लेने की फिराक में है, जिसका सभी ग्रामीण विरोध व ऐतराज करते हैं। ग्रामीणों ने SDM से मांग की है कि वीर सिंह को दुकान का कब्जा वापस दे दिए जाने पर वह ग्रामीणों को परेशान करेगा, अतः किसी अन्य व्यक्ति को राशन की दुकान आवंटित की जावे, ताकि उसकी मनमानी से निजात मिल सके। ज्ञापन देने वालों में नरेंद्र सिंह, पूरण सिंह, मंगल सिंह, रमेश सिंह, मदन सिंह, गोविंद सिंह तथा भूपेंद्र सिंह सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। ग्राम पंचायत मालपुरा के वार्ड पंच और समस्त ग्रामवासी यहाँ आए हैं। तकलीफ ये है कि एक हमारे गांव पंचायत जो मालपुरा में एक उचित मूल्य की दुकान है, जिसकी संख्या है 75-72, जिसका संचालन श्री बीरम सिंह जी करते हैं, और ये एक महिला समूह का नाम जो शकुंतला देवी जी के नाम से आवंटन हो रखी है। लेकिन इस दुकान में पिछले कई वर्षों से ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें घपला हो रहा है। ग्रामीणों को जो राशि जो गेहूँ की मिलती 25 किलो से 30 किलो, उसको लेकर इनको 15 या 10 किलो ही दिया जा रहा है। इस गबन को लेकर लॉकडाउन के अंदर रसद विभाग की जो अधिकारी ने उसमें धावा खोला था, उसमें उन्होंने मिलीभगत कर पकड़ा था, जिसके कारण की दुकान लॉकडाउन में निलंबित कर दी गई थी। उसके बाद ग्रामीणों की बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी के कुछ जानकारी प्राप्त किए, DSO साहब ने इनको वापस तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया कि ये दुकान वापस विलंब रूप से लागू की जाए। इसके बाद ग्रामीणों में इस बात का रोष है कि हमसे जब पूछा नहीं गया, जबकि ये 13-13 फर्जी राशन कार्ड आप देख सकते हैं, इसमें 13 लोगों के फर्जी राशन कार्ड बीरभ सिंह जी द्वारा बनाकर
लोगों के नाम पे राशन खाया जा रहा है और लोगों के राशन जो सामग्री है उसमें भी धांधली की जा रही है। इसलिए ग्रामीण मालपुरा के सभी आए हैं, एडीएम साहब को मुख्यमंत्री और कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें उनकी सारी बातें इसमें समावेश है कि उनका जो इसको वापस हटाई जाए, पुनः इसका आवंटन रद्द किया जाए। अगर आवंटन नहीं रद्द किया जाए तो आगे जाकर इसका बड़ा आंदोलन किया जाएगा, पूरे ग्रामवासी एकलम्ब होकर आंदोलन